हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई एक गिवन ग्रामर है वो एम्बिगुअस है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अनएम्बिगुअस ग्रामर में। ओके, तो यहाँ एक ग्रामर गिवन है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये क्या है, आपकी एम्बिगुअस ग्रामर है। ओके, कैसे एम्बिगुअस ग्रामर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक स्ट्रिंग है डब्ल्यू विच इज़ इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी। ओके, अगर ये स्ट्रिंग, अगर इसके लिए टू डिफरेंट पार्स ट्री बन जाती है तो ऐसी ग्रामर को एम्बिगुअस कहते हैं। देखते हैं कैसे बनती है। ई डिराइव्स ई प्लस ई। ओके, ई डिराइव्स ई प्लस ई, तो चूंकि प्लस है तो हम पहली प्रोडक्शन लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ई डिराइव्स ई प्लस ई एंड ई डिराइव्स आई डी एंड आई डी। ये एक पार्स ट्री होगी, यानी आई डी प्लस आई डी, ये स्ट्रिंग मिल गई। दूसरी पार्स ट्री क्या होगी, ई डिराइव्स ई प्लस ई एंड ई डिराइव्स ई प्लस ई एंड ई डिराइव्स आई डी एंड आई डी, ये एक पार्स ट्री मिल गई। यानी आई डी यानी आई डी प्लस आई डी, तो यही सेम स्ट्रिंग के लिए टू डिफरेंट क्या है, पार्स ट्री मिली है। तो ऐसी ग्रामर को क्या कहते हैं, एम्बिगुअस ग्रामर। एक और स्ट्रिंग देख लेते हैं, डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी। अगर ये स्ट्रिंग दी हुई है तो इसके करस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं क्या ट्री आती है, पार्स ट्री। ई डिराइव सपोज दैट दिया हुआ ई प्लस ई। ओके, एंड ई डिराइव ई स्टार ई एंड ई डिराइव आई डी एंड आई डी। ओके, और दूसरी पार्स ट्री देखते हैं, ई डिराइव ई स्टार ई एंड ई डिराइव ई प्लस ई एंड ई डिराइव्स आई डी एंड आई डी। ओके, यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए दो डिफरेंट, दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी इस स्ट्रिंग के लिए। ओके, आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी, ये स्ट्रिंग, यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए दो डिफरेंट पासवर्ड मिल रही है। इसके लिए भी यानी ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये क्यों लिखा है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, अभी इस चीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्यों ये ट्री बनी है और क्यों ये पार्स ट्री बनी है, इसका यूज़ करेंगे और कैसे हम इसको अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे इन दोनों पार्स ट्री के अकॉर्डिंग। ओके, अगर इस पार्स ट्री को देखा जाए तो इन दोनों पार्स ट्री में कौन सी सही होगी, अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू बॉडमस रूल, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ये आपका एक प्लस है दूसरा स्टार है, तो यानी अगर कहीं एक एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर हैं तो यहाँ क्या करेंगे, कौन सा पहले इवेलुएट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पहला इवेलुएट कौन सा होगा, स्टार, क्योंकि स्टार की प्रेसिडेंस जो होती है वो प्लस से ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ इस ट्री को देखा जाए या इस ट्री को देखा जाए, तो दैट मीन्स अगर इस कैपिटल ई की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों की वैल्यू को इवेलुएट करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ओके, लेकिन अगर इस कैपिटल ई की वैल्यू चाहिए तो इनको इवेलुएट करना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू आएगी, इसमें सम करेंगे तो फर्दर इसकी वैल्यू आएगी, यही सेम चीज़। तो दैट मीन्स अगर इन दोनों ट्री को देखें तो पहले कौन सा इवेल्यूएट, अगर पहले ट्री को देखें तो स्टार पहले इवेल्यूएट हो रहा है, फिर उसकी वैल्यू को प्लस करें तो फाइनली कैपिटल ई का रिजल्ट आ रहा है। ओके, और दूसरी वाली ट्री में क्या हो रहा है, पहले प्लस इवेल्यूएट हुआ, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, इस कैपिटल ई की वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ इवेल्यूएशन पहले प्लस का हो रहा है, यानी पहले एडिशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सी ट्री सही होगी, ये वाली। ओके, ये ट्री क्या होगी, गलत होगी। अगर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए कि अगर स्टार की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है तो ये ट्री करेक्ट होगी और ये ट्री क्या होगी, गलत होगी। ऐसे अगर यहाँ देखा जाए, ये दिया हुआ आई डी प्लस आई डी स्टार, सॉरी आई डी प्लस आई डी प्लस आई डी। ओके, तो इसमें कौन सा प्लस पहले इवेल्युएट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सप्रेशन दिया है टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो चाहे इसको पहले इवेल्युएट करें या इसको पहले इवेल्युएट करें, रिजल्ट तो सेम ही आना है, लेकिन ये प्लस ऑपरेटर के साथ है। लेकिन कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिसकी जिसकी एसोसिएटिविटी, जैसे टू पावर थ्री पावर टू है फॉर एग्जांपल। ओके, तो अगर टू पावर थ्री पावर टू का मतलब क्या हुआ, टू पावर थ्री पावर टू, तो इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, पहले थ्री पावर टू इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। तो दैट मीन्स जो आपका अगर इस तरीके से दिया हुआ कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे टू प्लस थ्री प्लस फोर है, सेम इस तरीके से टू पावर थ्री पावर टू अगर लिखा हुआ है, तो अगर इसको पहले इवेल्युएट करेंगे फिर बाद में इसको करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, देख लेते हैं। टू पावर थ्री दैट मीन्स टू टू द पावर थ्री दैट मीन्स एट, एट टू पावर टू विच इज इक्वल्स टू 64। अगर लेफ्ट वाले पावर को
पहले इवेलुएट करें तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 एंड 8 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 64। लेकिन अगर राइट वाला पहले इवेलुएट करें तो क्या आएगा 2 टू द पावर यानी 3 पावर 2 कितना हो जाएगा 9 एंड 2 पावर 9 आई थिंक 512। ओके तो इसका रिजल्ट 512 आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 64। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के आ जाएँ तो उनके साथ क्या करना है, तो उसके साथ क्या आता है एसोसिएटिविटी। ओके एसोसिएटिविटी और इसके साथ क्या रखना है प्रेसिडेंस। तो यहाँ हमें दो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के अगर सेम प्रेसिडेंस के आ गए तो उनकी एसोसिएटिविटी की एसोसिएटिविटी दो तरह की होती है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ओके तो अगर देखा जाए तो प्लस या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न या पावर, ठीक है ये तीन ऑपरेटर नॉर्मली इसकी अगर इन दोनों की देखा जाए तो इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है लास्ट में इसकी, यानी अगर इसकी देखा जाए तो इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, इनकी प्रेसिडेंस सेम होती है और इसकी प्रेसिडेंस उसके बाद, यानी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा किसकी होती है पावर की, उसके बाद क्या होती है स्टार या मल्टीप्लिकेशन की या प्लस और सब्ट्रैक्शन यानी माइनस की। तो दैट मीन्स अगर ये दो एक्सप्रेशन यानी दोनों क्या नाम है ऑपरेटर अगर आ गए तो पहले कौन सा इवेलुएट होगा, तो ये क्या फॉलो करता है लेफ्ट टू राइट, ये भी फॉलो करता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये क्या करता है राइट टू लेफ्ट फॉलो करता है। तो इसको किस तरीके से करते हैं, तो यानी यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक एसोसिएटिविटी और एक प्रेसिडेंस। तो पहले एसोसिएटिविटी देखते हैं, तो एसोसिएटिविटी अगर प्लस की देखें तो क्या है लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ पहले ये दो यानी ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ इवेलुएट करेंगे। ओके तो कौन सी ट्री सही होगी, ये वाली ट्री सही होगी, क्योंकि क्या है लेफ्ट वाला पहले इवेलुएट हो रहा है बाद में इसकी वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ क्या वाला पहले राइट इवेलुएट हो रहा है फिर वो वैल्यू वहाँ ऐड हो रही है। ओके तो इसका मतलब अगर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होगी तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत होगा और ये सही होगा। तो इससे क्या मिल रहा है कि यानी ई को अगर हम सपोज दैट इसको हमें इवेलुएट करना उसमें सारे प्लस ही हों तो ये क्या हो लेफ्ट की तरफ ही ग्रो करे और इसकी तरफ राइट को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें। ओके राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि इसको यहाँ से हम एलिमिनेट कर दें, दैट मीन्स यहाँ क्या हो कैपिटल ई ना हो, तो दैट मीन्स ये ट्री राइट की तरफ ग्रो ही ना करे, अगर ग्रो ही नहीं होगी तो ये कभी राइट एसोसिएटिव नहीं होगा। तो दैट मीन्स क्या करेंगे इसको अगर इसको चेंज किया है तो क्या आ जाएगा ई डिराइव ई प्लस आई डी। ओके तो दैट मीन्स ये जो राइट वाला कैपिटल ई था इसकी जगह आई डी को सब्सटीट्यूट कर दिया और यहाँ क्या हो गया आई डी, यानी ई डायरेक्टली आई डी को भी डिराइव कर रहा था। तो देख लेते हैं क्या ये एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो दैट मीन्स अगर देखें इसी सेम एक्सप्रेशन के लिए फिर से ट्री बनाते हैं इस ग्रामर की हेल्प से। ओके ये क्या है ई डिराइव्स ई प्लस आई डी, पहले क्या था यहाँ पे कैपिटल ई था वो क्या हुआ यहाँ से हमने एलिमिनेट कर दिया और इसकी जगह पे आई डी सब्सटीट्यूट कर दिया। तो अब हमें क्या करना होगा इसी ई को हम एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि हमें एक और प्लस की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई डिराइव्स ई प्लस आई डी एंड ई डिराइव्स आई डी, आई डी प्लस आई डी प्लस आई डी। ओके इसका मतलब क्या हो जाएगा ये यानी ये एक्सप्रेशन क्या हो गया अब आपका जो है लेफ्ट एसोसिएट यानी प्लस कहीं भी आएगा वो इसी तरीके से इवेलुएट होगा। तो दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि एक तरीके से देखें अगर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है ओके तो अगर देखें ये क्या होगा तो हमें क्या करना होगा एसोसिएटिविटी के लिए क्या करना होगा इस तरीके की प्रोडक्शन हमें यूज़ करनी होगी। ओके तो दैट मीन्स राइट वाले को हम रिस्ट्रिक्ट अगर हमारा राइट रिकर्सिव होता यही दैट में राइट रिकर्सिव नहीं राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। ओके तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव क्या होता है उसको भी बाद में देखते हैं। तो दैट मीन्स अगर यही राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता तो ई डिराइव्स क्या करते आई डी प्लस कैपिटल ई करते, अगर प्लस ऑपरेटर आपका राइट एसोसिएटिव होता तो इसको क्या करते इसको इस तरीके से करते तो ये ट्री बनती। ओके लेकिन चूंकि प्लस क्या है हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव है तो इसको हम राइट की तरफ ग्रो होने ही नहीं देंगे, तो इसलिए क्या होगा ये आपकी ग्रामर नहीं होगी ये ग्रामर हो जाएगी। ओके और यहाँ देखते हैं अगर इसमें तो ये एसोसिएटिविटी हो गया, अगर आपकी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है तो एक तरीके से हम ऐसी ग्रामर यूज़ करेंगे जिसमें क्या होगा लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है बेसिकली राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ये आपका वेरिएबल राइट हैंड साइड में अगर लेफ्ट मोस्ट सिंबल है तो ऐसी ग्रामर को क्या कहते हैं लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। अगर यही चीज़ इस तरीके से है कि दैट मीन्स ये आपका वेरिएबल राइट मोस्ट प्लेस पे राइट हैंड साइड में तो ऐसी ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर कहते हैं। तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर राइट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है ये चीज़ हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है फर्दर वीडियोज़ में, लेकिन अभी के लिए क्या है कि सिर्फ डेफिनेशन समझ लेते हैं कि लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर वो ग्रामर होती है कि
अगर आपका वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो राइट हैंड साइड में अगर लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे है तो उसको लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कहेंगे, और अगर राइट मोस्ट प्लेस पे तो उसको क्या कहेंगे, राइट रिकर्सिव ग्रामर। अब आते हैं यहाँ प्रेसिडेंस पे। तो अगर प्रेसिडेंस में देखें तो ये आपकी क्या थी, पार्स टेबल गलत थी, ये सही है। तो दैट मीन्स जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है वो लास्ट लेवल पे आ रहा है। लास्ट लेवल का मतलब ये है कि सबसे नीचे आ रहा है, दैट मीन्स प्लस क्या आ रहा है आपका टॉप लेवल पे है, उसके बाद क्या आ रहा है आपका स्टार आ रहा है। तो दैट मीन्स हमें इस प्रोडक्शन को इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा कि पहले सारे प्लस को जनरेट कर ले उसके बाद स्टार पे पहुंचे। ओके, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल, तो इस प्रोडक्शन को कैसे चेंज करेंगे, सपोज दैट ई डिराइव्स ई प्लस। ओके, तो ई प्लस, क्योंकि प्लस क्या है आपका, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया प्लस क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट रिकर्सन यूज करना होगा। लेकिन प्लस दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, ये हमारा जो राइट साइड ई है, तो दैट मीन्स अगर कैपिटल ई यहाँ रखेंगे तो फिर से प्लस हम जनरेट कर सकते हैं। तो राइट की तरफ हमें प्लस को ग्रो नहीं करना, सिर्फ लेफ्ट की तरफ ग्रो करना है। तो इसके लिए क्या करें, एक नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, सपोज दैट कैपिटल टी है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, कैपिटल टी। ओके, और यहाँ क्या होगा आपका, ये कैपिटल टी क्या जनरेट कर रहा है, एक नई प्रोडक्शन जनरेट कर रहा है। तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, सपोज दैट, क्योंकि आपका स्टार, दैट मीन्स ये क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्टार, क्योंकि यहाँ हमें क्या चाहिए, स्टार। तो दैट मीन्स स्टार भी क्या होगा आपका, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाहे प्लस हो माइनस हो स्टार हो या डिवीजन हो, ये सारे क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। तो इसके लिए भी जो भी हम रिकर्जन यूज़ करेंगे, रिकर्जन वो क्या होगा, लेफ्ट रिकर्जन। तो दैट मीन्स ये वेरिएबल कितने नंबर ऑफ क्या नाम है, मल्टीप्लीकेशन को जनरेट कर सकता है। और एक सपोज दैट एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, टी स्टार एफ। ओके, तो इससे क्या हुआ, यानी प्लस क्या हो गया आपका, लेफ्ट रिकर्सिव हो गया, और स्टार भी क्या हो गया आपका, लेफ्ट रिकर्सिव। दैट मीन्स इसकी अगर एसोसिएटिविटी चेक करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। ओके, तो दैट मीन्स ये क्या प्रोडक्शन हुई, इससे हमने क्या किया, इस कैपिटल ई की जगह पे क्या किया, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया गया, ताकि अगर इसके जगह पे कैपिटल ई करेंगे तो फिर से एम्बिग्यूस आ जाएगी, लेकिन अगर हमने टी कर दिया तो टी को टी स्टार एफ, दैट मीन्स इससे क्या होगा, हम जितने भी स्टार जनरेट करेंगे, एक बार अगर स्टार जनरेट करना स्टार्ट किया, दोबारा प्लस जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि टी से कैपिटल ई जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ओके, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि ये आपका जो कैपिटल ई वेरिएबल था, जो कि प्रीवियस केस में जब एम्बिगुअस ग्रामर था, इसकी जगह पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे टी, जो कि क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ स्टार को हमें जनरेट करना होगा वो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टी डिराइव्स टी स्टार एफ। ओके, लेकिन अगर ऐसी इस तरीके से कहीं अगर हमको स्ट्रिंग मिल गई id*id*id, ओके, इसमें प्लस आपका प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसको बाईपास करना होगा। तो इसके लिए एक नया वेरिएबल टी इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी ई डिराइव्स ई प्लस टी, इससे क्या होगा आपका, प्लस के साथ स्टार, यानी दैट मीन्स ये वाली इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। लेकिन अगर एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें आपका प्लस प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, प्लस वाले पूरे टर्म को हमें एलिमिनेट नहीं, इसको जस्ट बाईपास करना होगा, और इससे क्या होगा, स्टार जनरेट कर लेंगे। ओके, और ये क्या हो जाएगा, स्लैश एफ, और क्या होगा, एफ डिराइव्स आईडी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अब सपोज दैट अगर सिंपली क्या हो रहा था, ई क्या कर रहा था, आईडी को भी डिराइव कर रहा था। अगर हमारी स्ट्रिंग सिर्फ आईडी है तो ना तो हमें इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, ना तो इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। तो इसको बाईपास करके टी से आएंगे, और टी से एफ पे आएंगे, और एफ से आईडी जनरेट करेंगे। अब इस ग्रामर से हम देखते हैं क्या हमारी जो है ये वाली ट्री मिल रही है, वो देख लेते हैं, सेम यही ट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही। ई डिराइव्स ई प्लस टी, ई डिराइव्स ई प्लस टी, एंड टी डिराइव्स टी स्टार एफ, एंड ई डिराइव्स टी, एंड टी डिराइव्स एफ, एंड एफ डिराइव्स आईडी। तो इससे हो जाएगा आईडी प्लस टी की जगह क्या आएगा, टी डिराइव्स एफ, एंड एफ डिराइव्स आईडी, एंड आईडी। ओके, तो क्या हो रहा है, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। तो दैट मीन्स इससे क्या होगा, सिर्फ यही स्ट्रिंग, इससे क्या होगा आपका, सिर्फ यही ट्री जनरेट होगी, इसके अलावा कोई भी ट्री नहीं होगी। तो दैट मीन्स जिस तरफ ट्री ग्रो हो रही थी और हमें उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे स्टार जनरेट हो रहा था, जो कि यहाँ टी
अगर एक स्टार और होगा तो इसी को फिर से क्या करेंगे, टी स्टार एफ फिर से जनरेट कर लेंगे। तो जितने नंबर ऑफ स्टार होंगे वो इधर जनरेट होंगे और जितने नंबर ऑफ प्लस होंगे वो कैपिटल ई से, यानी ई डिराइव्स ई प्लस टी, फर्दर उसको मतलब एक्सपेंड करेंगे तो प्लस, जितने नंबर ऑफ प्लस की रिक्वायरमेंट होगी उससे यहाँ जनरेट करेंगे, जितने नंबर ऑफ स्टार की जनरेटर जरूरत होगी उसको इससे जनरेट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे कोई भी एम्बिग्यूस ग्रामर से अनएम्बिग्यूस ग्रामर में। दूसरी चीज, अब हम देखेंगे किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, क्योंकि इस प्रेसिडेंस यानी इस ऑपरेटर यानी स्टार की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा थी और प्लस की उससे कम थी। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट वेरिएबल से जितना दूर जो भी एक्सप्रेशन होगा, यानी जो क्या कहते हैं ये कि आपका ऑपरेटर होगा उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी जब ट्री को, दैट मीन्स कैपिटल ई प्लस पास में है और कैपिटल ई स्टार जो है दूर है, तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कैपिटल ई से डायरेक्टली यहाँ प्लस जनरेट हो रहा है और कैपिटल ई से टी देन स्टार जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स जो ऑपरेटर जितना स्टार्ट वेरिएबल से दूर होगा उसकी प्रेसिडेंस उतना ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरीके से पावर को भी इंट्रोड्यूस करना हमें, ओके तो अगर पावर को भी इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो पावर को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो सपोज दैट एक और वेरिएबल ले ली एफ डिराइव, ओके पावर। अब पावर का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसकी उसकी एसोसिएटिविटी क्या थी, राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, राइट रिकर्जन यूज करना होगा। ओके, ये बाकी क्या है आपके, सपोज दैट एक नया वेरिएबल आ गया जी एंड जी डिराइव्स आई डी, ओके इससे क्या होगा कि ये क्या आपका राइट रिकर्जन, राइट रिकर्जन मीन्स इसकी जो एसोसिएटिविटी होगी वो क्या होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। बाकी ये क्या है, ये लेफ्ट रिकर्जन है, ये भी लेफ्ट रिकर्जन है और ये राइट रिकर्जन है। तो दैट मीन्स जिस ऑपरेटर के साथ लेफ्ट रिकर्जन होगा उसकी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगी, और जिस ऑपरेटर के साथ आपका राइट रिकर्जन होगा वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। तो ये तरीका होता है कि कैसे किसी भी एम्बिग्यूस ग्रामर को अनएम्बिग्यूस ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, बाकी अदर एग्जाम्पल्स और देखते हैं। ओके, तो ये था आपका ambiguous grammar to unambiguous grammar using disambiguity rule, okay?